प्रोडक्शन जो है, जब आप मीडिया की बात करते हैं तो उसमें अल्टीमेटली आपने कोई ना कोई चीज़ ऐसी प्रोड्यूस करनी है, कोई क्रिएट करनी है जो ऑडियंस के लिए फ़ायदेमंद हो, नंबर वन, ऑडियंस उससे रिलेट कर सके, रिलेवेंट हो, और अल्टीमेटली ऑडियंस उससे कोई ना कोई चीज़ सीख सके. वी शुड नॉट राइट नाउ कंपेयर विद हॉलीवुड और बॉलीवुड. द रीज़न फॉर दैट इज़, उसकी वजह ये है कि हॉलीवुड इज़ अ वेरी पॉलिश्ड इंडस्ट्री. दे नो कि उन्होंने अचीव क्या करने हैं, उनकी स्टोरीज क्या हैं, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बड़ा बेस करते हैं. सेम इज़ द केस विद बॉलीवुड. जो हम लोगों ने अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स बनाए उनमें ये तीनों चीज़ें शामिल थी, प्री प्रोडक्शन भी, प्रोडक्शन भी और पोस्ट प्रोडक्शन भी. अभी इस हद तक नो हाउ है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. प्रोग्राम मीडियालॉजी की नई एपिसोड में आपका मेज़बान मोहम्मद हसन मालिक आपकी खिदमत में हाजिर है. आज का टॉपिक है प्रोडक्शन इन मीडिया. नाज़रीन, टेलीविज़न पे जब आप लोग कोई फिल्म, ड्रामा या डॉक्यूमेंट्री मुलाहिज़ा फरमाते हैं तो वो एक फ़ाइनल प्रोडक्ट होता है. उसके पीछे एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, पूरी टीम काम कर रही होती है. बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह जब आप लोग एक गाड़ी देखते हैं मार्केट में या रोड पे चलती हुई, सबसे पहले उसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है, उसके बाद उसके पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करके, उसको असम्बल करके तब मार्केट में लॉन्च किया जाता है. बिल्कुल इसी तरह फिल्म और ड्रामे किस तरह बनते हैं, ये सारा काम किस तरह होता है, इसी एपिसोड में तमाम बातों के जो जवाब हैं वो अपने एक्सपर्ट से हासिल करेंगे. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अकरम साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त. अकरम साहब से सवालात का सिलसिला जारी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इनको आप लोगों को इनका तारुफ कराता चलूँ. इब्तदाई तालीम जो आप हैं इन्होंने मरी और इस्लामाबाद से हासिल की, बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से बैचलर्स इन मीडिया, नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मास्टर्स इन मीडिया करने के बाद मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेज में अपनी खिदमात सर अंजाम दी. अपना प्रोडक्शन हाउस भी रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और 2018 में बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को एज दी मेम्बर ऑफ टेक्निकल स्टाफ ज्वाइन किया. अपनी मेहनत को जारी रखते हुए 2020 में बैरिया यूनिवर्सिटी में ही बतौर मुअल्लिम जो अपनी खिदमात हैं वो सर अंजाम देना शुरू कर दी. तो सबसे पहले तो अकरम साहब, आप ये बताएं कैसा लगता है जब एक यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं और फिर वहीं पढ़ाते हैं, उन टीचर्स के साथ एज अ कोलीग काम करना जिनके साथ कभी आपने जिनसे पढ़ा हो. देखिए, स्टार्टिंग में जब मैं आया था एज अ लेक्चरर, तो तब तो एक बड़ा डिफरेंट सी फीलिंग थी. घबराया वो काफ़ी ज़्यादा था कि टीचर्स हैं, उनके सामने मैंने अपनी एक रिप्यूट बिल्ड करनी है और अपने आप को प्रूफ भी करना है. बट अल्टीमेटली आई रियलाइज कि ये एक ऑनर की बात है कि आप अपने ही उस्ताद के साथ, अपने ही टीचर्स के साथ जो हैं उनके बराबरी में आकर पढ़ाना शुरू कर दें. मुझे आज भी याद है जब मेरी पहली क्लास थी और पहला दिन था, मैं क्लास को पढ़ा रहा था. मेरी एक मैडम है, वो आई थी मेरी क्लास के अंदर, और वो ऐसी मैडम जिन्होंने मुझे 3-4 दफ़ा पढ़ाया हुआ भी और डांटा हुआ भी और काफ़ी सख्ती भी की मेरे पे. लेकिन वो क्लास में आए और उन्होंने कहा एक बड़ा बड़ा ऑनर है उनके लिए कि उनका स्टूडेंट जो है आज क्लास में पढ़ा रहे हैं. तो एक बड़ा रिस्पेक्टेबल पोजिशन है, ये ऑनरेबल पोजिशन है, डिफ़िकल्ट पोजिशन है, लेकिन मैं मानता ये हूँ कि एक बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पर उस्ताद शागिर्द जो है वो उस्ताद बन जाए. सही. और अल्टीमेटली होना भी यही चाहिए. सही. बहुत दिलचस्प कहानी है, ज़बरदस्त कहानी है. इसमें कोई शक नहीं है कि अकरम साहब जैसे लोग, मेरे जैसे नौजवान जो नस्ल है उनके लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है. सवालात का जो सिलसिला है वो बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ करते हैं. अकरम साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताएँ जो प्रोडक्शन इन मीडिया, प्रोडक्शन बुनियादी तौर पर है क्या? देखिए, प्रोडक्शन अगर मैं इसके लिटरल मीनिंग पर जाऊँ तो इट मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज़ को तख्लीक करना, किसी चीज़ को क्रिएट करना. प्रोडक्शन जो है, जब आप मीडिया की बात करते हैं तो उसमें अल्टीमेटली आपने कोई ना कोई चीज़ ऐसी प्रोड्यूस करनी है, कोई क्रिएट करनी है जो ऑडियंस के लिए फ़ायदेमंद हो, नंबर वन, ऑडियंस उससे रिलेट कर सके, रिलेवेंट हो, और अल्टीमेटली ऑडियंस उससे कोई ना कोई चीज़ सीख सके. तो प्रोडक्शन के फिर मुख्तलिफ स्टेप्स हैं. प्री प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन है. प्री प्रोडक्शन के अंदर आपके पास आ जाते हैं जहाँ पर आप आइडिया जनरेट करते हो. अब आइडिया जनरेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके अंदर उसका एक लगाव होना चाहिए. मिसाल के तौर पे अगर मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ तो मुझे एक इंटरेस्ट होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर. मैं अगर म्यूज़िशियन बनना चाहता हूँ तो मुझे म्यूज़िक एटलीस्ट सुनने में इंटरेस्ट होना चाहिए. इसी तरह अगर मैं फिल्म मेकर या शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री का बनना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे उसके अंदर एक इंटरेस्ट डिवेलप करने की ज़रूरत है.
सो इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ फिल्म मेकर और अ शॉर्ट फिल्म मेकर और अ डायरेक्टर, यू फर्स्ट हैव टू वॉच फिल्म. मूवीज़ आपको देखना आपके लिए ज़रूरी है. लगन पैदा करनी चाहिए, लगन आपके अंदर होनी चाहिए. जब आपके पास लगन होंगी तो आप चीज़ें देखोगे, कॉन्टेंट को देखोगे, तो आपके पास आइडियाज़ आएंगे. सही. आइडियाज़ सिर्फ कॉन्टेंट देखने से भी नहीं आते, आइडियाज़ आपके एक्सपीरियंस से भी आते हैं. जो अच्छी मूवीज़ होती हैं, जो अच्छे कॉन्टेंट होते हैं, वो पर्सनल एक्सपीरियंस से बड़ा डिपेंड करते हैं. तो यू हैव एन आइडिया, यू राइट अ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप प्रोडक्शन में जाते हो. प्रोडक्शन के बाद आप, प्रोडक्शन इज़ वेयर यू पिक अप द कैमरा, आप फील्ड पे जाते हो, वहाँ पर आप शूटिंग करते हो, एक्टिंग वगैरह करवाते हो, डायलॉग्स डिलीवर होते हैं. उसके बाद आप पोस्ट प्रोडक्शन पे आते हो. पोस्ट प्रोडक्शन मेरे मुताबिक, अब अ लॉट ऑफ पीपल कैन डिसएग्री विद दिस, यू कैन ऑल्सो डिसएग्री, मेरे मुताबिक ये पोस्ट प्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, क्योंकि इसके बाद कोई चेंजेस नहीं हो सकते. आपने स्क्रिप्ट के अंदर कोई गलती होगी, आप प्रोडक्शन में जो है उसको ठीक कर सकते हो. प्रोडक्शन में जो गलतियाँ होती हैं वो फिर आपने पोस्ट प्रोडक्शन में छुपानी, जिसको हम कहते हैं एडिटिंग. सही. तो पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर आप अपनी सारी गलतियों को छुपाते हो और उसके बाद आप फिर मार्केट में अपनी चीज़ को लॉन्च करते हो. अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा अकरम साहब, प्रोडक्शन कितने टाइप्स की होती है? देखिए, हर जॉनरा की प्रोडक्शन थोड़ा बहुत डिफरेंट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं डॉक्यूमेंट्री और फिल्म को उठा लेता हूँ, तो डॉक्यूमेंट्री यूजुअली क्या होता है कि जब आप फील्ड पे जाते हो, मिसाल के तौर पे आप फील्ड पे जाते हो, किसी गांव देहात में जाते हो, वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए अक्सर आप अपनी स्क्रिप्ट को तब्दील कर देते हो. ठीक है, अगर अभी जिस तरह रिसेंट फ्लड्स आए हुए हैं हमारे, तो यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठकर मुझे नहीं पता कि बलूचिस्तान के इलाके में कितनी तबाही हुई हुई है, तो मैं उसका एक खाका उस तरह से बना नहीं सकता. सही. ठीक है, अगर मैं डॉक्यूमेंट्री की बात करता हूँ, तो स्क्रिप्ट में चलो बना लूँगा कि इतना फ्लड आया, इतने लोग के को नुकसान पहुंचा, इतनी अमवात हुई, इतनी फंडिंग हुई, ये चीज़ें हम कर सकते हैं. लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हो तो ग्राउंड रियलिटी इज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम वट एवर यू हैव रिटन इन द स्क्रिप्ट. सो उसका प्रोसेस फिर थोड़ा डिफरेंट. आप मेजॉरिटी जो काम जो आप एग्जीक्यूट करते हो वो फील्ड में जाके करते हो. सही. इन कंपैरिजन विद फिल्म और अ शॉर्ट फिल्म, उसमें आपके पास स्टार्टिंग से ही पूरा खाका होता है, आपके पास एक कंप्लीट आइडिया होता है कि यार मैंने फील्ड में जब मैं जाऊँगा तो ये चीज़ें मैंने अचीव करनी है. इन एनी वे मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, ये चीज़ मैंने क्रिएट करनी है. सो यू राइट द स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू योर गोल्स एंड अचीवमेंट्स, बिकॉज आपके माइंड में वो आइडिया क्रिस्टल क्लियर होता है कि यार ये चीज़ मैंने अचीव करनी है और ये चीज़ होगी तो ही मेरी फिल्म कंप्लीट हो सकेगी. सो फिल्म का जो प्रोसेस है, ऑब्वियसली हर जॉनर के अंदर ये तीनों मीडियम्स हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट. लेकिन प्री प्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा है, पोस्ट के अंदर क्या हो रहा है, इन तीनों चीज़ों में बड़ा फर्क है. फर्क है जब डॉक्यूमेंट्री और फिल्म या ड्रामा पे बात आती है. अब जिस तरह फिल्म्स हमारी अक्सर आजकल आप देखते हो ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन के ऊपर बन रही होती है, उसका ज्यादा सारे का सारा इन्हिसार जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर, एडिटिंग के ऊपर है. डॉक्यूमेंट्रीज आपकी रियल लाइफ रियलिटी होती है, रियल लाइफ इवेंट्स होते हैं, हैपनिंग्स होती हैं, उसको आपने इन रियलिटी उसको बेस करना होता है. उसके अंदर आप ज़्यादातर चेंजेस नहीं कर सकते, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, फैक्ट्स को आप स्टेट कर रहे होते. सो द प्रोसेस इज मोर और लेस द सेम, बट द हैपनिंग्स और द इवेंट्स विच आर अकरिंग इन दोज फेजेज आर अ बिट डिफरेंट. ठीक है, ज़बरदस्त. अकरम साहब ये बताएं, पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन का पोटेंशियल है वो कहाँ देखते हैं आप? हमारी जो इंडस्ट्री है वो इस टाइम एज कम्पेयर टू हॉलीवुड एंड बॉलीवुड वो कहाँ फॉल कर रही है? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वी शुड नॉट राइट नाउ कंपेयर विद हॉलीवुड और बॉलीवुड. द रीज़न फॉर दैट इज़, उसकी वजह ये है कि हॉलीवुड इज़ अ वेरी पॉलिश्ड इंडस्ट्री. दे ही नो कि उन्होंने अचीव क्या करने हैं, उनकी स्टोरीज़ क्या हैं, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसिस के ऊपर बड़ा बेस करते हैं. सेम इज़ द केस विद बॉलीवुड. हमारे जिसको हम लॉलीवुड कहते हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर जो मुझे फील होता है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. देर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. आप हमारी यूथ को देख लो, आप इनके वीलॉग्स को देख लो, आप इनकी स्टोरीज़ को देख लो, कॉन्टेंट को देख लो, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स को देख लो, आप इनकी एडिटिंग देख लो. हमारे यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा स्पार्क है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है. मसला कहाँ पर आता है? मसला आता है जब हम ओरिजिनलिटी के ऊपर नहीं जाते, हम कॉपी पेस्ट के ऊपर जा रहे होते हैं कि यार उसने ये चीज़ बनाई थी, मैं भी ये चीज़ बनाऊँगा, उसकी ये कहानी थी, मैं भी उसमें थोड़ी बहुत कहानी अपनी चेंज कर दूँगा. हमारे फिल्म्स के अंदर भी हमें ये चीज़ें देखने को बहुत मिलती हैं. आई विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आइटम सॉन्ग्स. आइटम सॉन्ग हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, नहीं है, बॉलीवुड का हिस्सा है. उसको हमने उठा के अपनी मूवीज़ में क्यों डाला? मार्केट शायद डिमांड है आजकल. डिमांड ऐसा हमारी ऑडियंस की क्यों है? क्योंकि बॉलीवुड ने हमें दिखाया. देखिए, मीडिया के अंदर वट एवर आई विल शो ऑन मीडिया, ऑडियंस उस चीज़ को या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी. सही. लेकिन अगर मैं उसको बार बार वो चीज़ दिखाऊंगा, दिखाता रहूँगा, दिखा, एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं आ जाएगी. आ जाएगी. हमें चाहिए था कि हम आइटम सॉन्ग, डांस, सारी जो उनके सॉन्ग्स हैं, इनको चेंज करके अपने कल्चरल चीज़ों के ऊपर आएँ. एक मूवी बनी थी दुख्तर के नाम से,
स्टोरी ऑफ अ मदर, इट डिड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ आइटम सॉन्ग. हमारी ऐसी बहुत सारी मूवीज इनके आइटम सॉन्ग्स नहीं और वो सुपर हिट हुई हैं. बिल्कुल. मसला कहाँ पर आता है? मसला यहाँ पर आता है जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, दे जब जो पैसा लगा रहा होता है, जब वो अपनी सेल्स के बीच में डाल देते हैं ना, तो उसने अल्टीमेटली पैसा जनरेट करना है. सो जब उसको पता होगा कि यार आइटम सॉन्ग और डांस मूव्स के थ्रू ही मैं पैसा जनरेट कर सकता हूँ, तो वो कहेगा क्या मेरी मूवी के अंदर आइटम सॉन्ग डालूंगे, मैंने पैसा बनाना है. और इस सब में जो पोटेंशियल है वो शायद कहीं बहुत नीचे रह जाता है. तो आपकी कहानी बीच में रह जाती है. सही. तो आप ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं मनी जनरेशन में. अभी भी पाकिस्तान के जो फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मुझे लग रहा है जो डिमाइज आगे फ्यूचर में, अल्लाह ना करे आए, लेकिन जो आएगा वो इस वजह से आएगा कि हम स्क्रिप्ट के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे, हम मनी मेकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें कि इस मूवी ने कितना पैसा कमाया है. अल्टीमेटली द गोल ऑफ अ फिल्म इज नॉट टू जनरेट मनी. अगर आप फिल्म को पढ़ो या उसके बारे में समझो, तो फिल्म कल्चर बनाता भी है, चेंज भी करता है, उसको ख़राब भी करता है. ऐसे ही. ठीक है. आपकी जनरेशन्स को जो है मोल्ड करता है, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता है, आपको लाइफ स्टाइल बताता है, आइडियोलॉजी बिल्ड करता है, अवेयरनेस फैलाता है. और फिल्म एक ऐसा मीडियम है जो बहुत इंस्टेंटली आपके अंदर जो है कोई बिहेवियरल चेंज लेकर आ सकते हैं. आप आखिर आए तो आप होस्ट, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. जी जी. कि आपकी फेवरेट मूवी और आपका फेवरेट एक्टर कौन है पाकिस्तान में? किसी भी फिल्म. टॉम क्रूज. टॉम क्रूज क्यों? थोड़ा एक्शन उसमें है इसलिए. और फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी उसी की जो मिशन इम्पॉसिबल हो. मिशन इम्पॉसिबल. अब अगर हम पाकिस्तान में कोई एक्शन मूवी बनाएं, पाकिस्तान में भी एक्शन मूवीज बनी हुई है, वार बनी हुई है, 021 बनी हुई है, वो आपको क्यों नहीं पसंद आती? मैं उनको बुरा तो हरगिज़ नहीं कहूँगा, लेकिन जिस लेवल पे वो लोग खड़े हैं ना, मिशन इम्पॉसिबल की जो टीम, वो बहुत आगे खड़े हैं. उनकी जो एडिटिंग है, उनकी ओवरऑल एवरीथिंग, वो बहुत आगे हमसे. अब मसला कहाँ पर आता है कि हम उनके उनकी कॉपी के चक्कर में हम पीछे रह जाते कि हम जितना मर्जी एक्शन अपना अच्छा कर लें, वी कैन नेवर बीट मिशन इम्पॉसिबल. तो अक्रम साहब, ये जो गैप है, ये किस जगह पे आ रहा है? इसको फिल अप करने के लिए कोई सजेशन अगर आपके पास? स्क्रिप्ट एंड आइडियाज. अब ईरानियन फिल्म्स को अगर आप देख रहे हैं, ईरानियन सिनेमा को आप देख लें, उसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते उनकी. सिर्फ आप अगर कहानियाँ उठा के देख लो तो स्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एल्फ्रेड हिचकॉक ने भी कहा था कि इफ़ देर आर थ्री थिंग्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ समवन आस्क्स हिम कि तीन चीज़ें क्या कौन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिल्म के अंदर, तो उसने तीन दफ़ा कहा था स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट. उसने कभी नहीं कहा कैमरा, एडिटिंग, कलर, बैकग्राउंड, लाइट, या सेटिंग. उसने कहा स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई फील अगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री और यूथ के अंदर आप प्रोडक्शन को बेहतर करने की ज़रूरत है, तो आइडियाज़ और स्क्रिप्टिंग के ऊपर फोकस. अकरम साहब, अपने आखिरी सवाल की जानिब बढ़ता हूँ और मैं आपसे चाहूँगा कोई आप एक मैसेज, कोई अपनी लाइफ स्टोरी या कुछ हमारी यूथ के साथ शेयर करें, जो उनको ख़ासतौर पर वो लोग जो प्रोडक्शन का शौक रखते हैं, उसको एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए मेरा यही है कि काम करते रहो, रुकना नहीं है. ये नहीं सोचना कि यार मेरा कंटेंट कोई देखेगा नहीं देखेगा, मुझे इस पर व्यूज़ आएंगे, रिएक्शंस आएंगे या नहीं आएंगी. मैं आपको अपनी एक मिसाल दे देता हूँ. आपने एक ड्रामा देखा होगा मेरे पास तुम हो जी, उसी कहानी भी आपको थोड़ा बहुत माइंड. कहानी पता है, ड्रामा तो नहीं देखा. कहानी आपको पता ही होगी. जब मैं अपना मास्टर्स कर रहा था तो मेरा थीसिस जो था उसकी कहानी भी कुछ इसी तरह की थी. अच्छा. लेकिन उस टाइम पर यह ड्रामा रिलीज़ नहीं हुआ था. अब जब ये ड्रामा रिलीज़ नहीं हुआ है तो आई वाज वेरी शेकी कि यार ये कंटेंट अगर मैं बाहर लगा दूंगा, फेसबुक पे लगा दूंगा, यूट्यूब पे लगा दूंगा, लोग इसके बारे में क्या कहेंगे. मोर और लेस वही कहानी थी कि देर वाज अ नॉट सो रिच गाय एंड अ वाइफ, ही हैड अ चाइल्ड. बेगम जो है उसको छोड़ के किसी अमीर के पास चली जाती है और बाप जो है वो बेटे को नहीं बताता अपने कि उसकी माँ क्यों छोड़ के गई है उस अमीर के पास जी. और वो उसका पर्दा रख ही रखता है और अल्टीमेटली बाप और बेटे के दरमियान का जो रिश्ता है उसमें खलल आ जाता है क्योंकि बेटा समझ रहा होता है कि मेरा बाप नहीं अच्छा और इसलिए मेरी माँ उसको छोड़े किसी और के पास चले. सही. तो मोर और लेस कहानी यही थी मेरे पास तुम हो की. तो आई वाज वेरी शेकी कि यार ये कंटेंट जब मैं यूट्यूब पे लगाऊंगा, फेसबुक पे लगाऊंगा तो अच्छा लगेगा लोगों को, नहीं लगेगा, बैकलैश आएगा नहीं आएगा. इस चक्कर में मैंने उसको अपलोड ही नहीं किया. देन आफ्टर आई थिंक ए ईयर और सो खलील रहमान कमर साहब की जो है वो ड्रामा आ गया मेरे पास तुम हो. मैंने जब उसको देखा मैंने कहा तो वही वाली कहानी है. फिर मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया. मैंने कहा लेकिन अब जब मैं लगाऊंगा तो लोग सुने इसने कॉपी की है. लेकिन मैंने कहा जाने दो. फिर जब मैंने उसको लगा दिया तो आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ गुड रिस्पांस फ्रॉम द ऑडियंस. तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके दिल में जो भी चीज़ आती है आप बनाना चाहते हो वो आप बनाओ और वो आप लगाओ. लेकिन एक माइंड में एक चीज़ ये रखो कि आपका कॉन्टेंट जो है वो बहुत सारे लोग देख रहे हैं. सही. तो When you have the attention of a lot of people, your content should
somehow affect them in a positive way. Somehow should bring about some sort of change in their lifestyle. क्योंकि इस कंटेंट के अंदर बहुत पावर है. अब मैं मानता हूँ कि मीडिया जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज चल रहा है, इन्फ्लुएंस करने में इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो जब आपके पास इतनी ज़्यादा पावर है तो व्हाई नॉट यूज़ इट इन अ बेटर वे, व्हाई नॉट यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे, कि आप ऐसा कंटेंट बनाओ जो ऑडियंस देखे और कहे यार हाँ वाकई ये हसन एक चीज़ बनाई है, मैं ये देखना चाहता हूँ, आपका नाम याद रहेगा. हम मसला कहाँ पर आ जाते हैं, हम कहते हैं कि यार हंसा देना, थोड़ी फांसी की तरफ चला जाना, गानों की तरफ चला जाना. इंस्पायर पीपल टू डू मोर. जब आपका कॉन्टेंट अच्छा होगा तो फिर आपको देखते हुए लोग जो है इंस्पिरेशन लेके और अच्छा कॉन्टेंट बनाएंगे. इसके थ्रू पॉजिटिविटी फैलेगी हमारे माशरे के अंदर. जब आप नेगेटिव कॉन्टेंट हर बार तनकीद करने पर लगा दोगे, एवरी वन इज़ हर कोई तनकीद कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है. फॉर द यूथ आई वुड से स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, क्रिएट समथिंग विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू इन्फ्लुएंस पीपल, चेंज पीपल, ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज. मैं फेसबुक खोलता हूँ, इंस्टाग्राम खोलता हूँ, लोगों ने दूसरे की बेइज्जती की हुई होती है, बातें की हुई होती हैं, आप क्या कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर? तनकीद हर कोई कर लेगा, ट्विटर खोलो तनकीद से भरा पड़ा है, लेकिन आपको चाहिए कि आप कोई चीज़ पॉजिटिव लेकर आओ, कोई दूसरा अक्स दिखाओ, दूसरा पहलू दिखाओ. हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं. शो अस द बेटर पार्ट, शो अस द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दैट कॉइन. मतलब होल्ड ऑन टू पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो या कोई और जिंदगी का पहलू हो, आपका ड्रामा हो, एनिमेशन हो, व्हाटएवर इट इज. और आप देखोगे पॉजिटिव चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छे के लिए रहती है. ऐसे ही नेगेटिव चीज़ शायद मेरे माइंड में इतना अर्सा ना, लेकिन पॉजिटिव मैं याद रखूंगा कि यार हाँ उस ड्रामे के अंदर वो डायलॉग बड़ा स्ट्रांग था, वो चीज़ बड़ी अच्छी थी, वो कंटेंट उस बच्चे ने बड़ा अच्छा बनाया. तो ये चीज़ याद रहती है और वो इन्फ्लुएंस करती है इंसान को. नेगेटिविटी इतनी इन्फ्लुएंस नहीं करती. सही सही, ज़बरदस्त. अकरम साहब मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे पास, हमें बहुत सी बातों से आशना करवाया आपने. नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा. आपसे मुलाकात होगी अगले एक सेगमेंट में, तब तक अपना ख्याल रखें. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में मुझे कुछ मीडिया स्टडीज़ के तालिबे इल्मों ने ज्वाइन किया है, मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं. उससे पहले उनका तारुफ कराता चलूँ. मलिक अहमद हसन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है. जमशेद अहमद काजी. मलिक अहमद हसन और जमशेद अहमद काजी दोनों मीडिया के तालिबे इल्म हैं और 7th सेमेस्टर में जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं अपनी. इनसे सवालात करते हैं प्रोडक्शन के मुतालिक. काजी साहब सबसे पहले आप बताएँ, आप प्रोडक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं? जी बिल्कुल हसन, हम जबरदस्त प्रोडक्शन में इंटरेस्ट. सही, आपने किस किस्म का कंटेंट जो है कंज्यूम करते हैं आप, क्योंकि कुछ प्रोड्यूस करने के लिए आप कुछ कंज्यूम करना ज़रूरी है ना? तो मैं डिफरेंट चैनल्स पर देखता हूँ कि कैसे प्रोडक्शंस होती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन के 3 फेजेस हैं. और लास्ट सेमेस्टर में हमें 2 ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें हमें प्रोडक्शन करने का मौका मिला, एक तो वीडियो एडिटिंग और दूसरा 2D एनिमेशन. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत चीज़ें सीखने को मिली उससे. सही, ज़बरदस्त. कमिंग टू यू अहमद, आप मुझे बताएं, आप भी इंटरेस्ट रखते हैं प्रोडक्शन में? जी बिल्कुल, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के कंटेंट्स प्रोड्यूस करने का शौक है. ज़बरदस्त, तो कंज्यूम किस तरह का कंटेंट करते हैं आप? मेरी बाय नेचर मुझे पॉलिटिकल कंटेंट जो है मैं ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ. ओके. लेकिन पॉलिटिकल कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा अभी इस स्टेज पर. लेकिन वैसे जो मुझे जिस चीज़ का शौक है या मेरा जिस चीज़ का इरादा है, वो इरादा ये है कि इंशाल्लाह जो अपना कल्चर है ना पाकिस्तान का, उससे रिलेटेड कोई कंटेंट प्रोड्यूस करना है इंशाल्लाह. फिल्म और ड्रामा सीरियल की शक्ल में, चाहे फिल्म में ले लें, चाहे ड्रामा सीरियल, चाहे शॉर्ट फिल्म, चाहे डॉक्यूमेंट्रीज, मतलब अपने पाकिस्तान का कल्चर जो है वो किसी तरीके से हम दुनिया के सामने शो कर सकें, तो इंशाल्लाह उस चीज़ का इरादा है. ज़बरदस्त अहमद, गुड लक विद डैट, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं. तो फ्यूचर में जो है उसको किस तरह परस्यू करते हैं, मतलब अपनी डिग्री मुकम्मल होने के बाद जी, तो प्रोडक्शन में किस तरह कदम रखने का इरादा रखते हैं आप? सेल्फ पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे? पहले तो क्योंकि एक्सपीरियंस हमें चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि जो हमें यूनिवर्सिटी लेवल तक जो एक्सपोजर मिला वो सिर्फ बेसिक लेवल का था, जो मतलब जो हद से ज़्यादा हुआ. तो हमने एक फाइनल प्रोजेक्ट के लिए हमने कोई वीडियो प्रोड्यूस कर ली, एक कंटेंट प्रोड्यूस कर लिया, जैसे जमशेद ने बताया आपको. चलिए उनका जिक्र हो गया तो हाँ, आप ये भी बता दें किस किस किस्म का जो कंटेंट है आपने प्रोड्यूस किया. हम लोगों ने वीडियो एडिटिंग जो सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हम लोगों ने कुछ क्लास के मतलब सेगमेंट्स डिवाइड किए गए. एक सेक्शन ने जो है वो जो म्यूज़िक वीडियोज़ हैं वो प्रोड्यूस की, ठीक है.
एक सेक्शन ने कुछ टेलीविज़न कमर्शियल जो हैं वो प्रोड्यूस किए, तो इस तरह मुख्तलिफ लोगों ने जो है मुख्तलिफ काम किया। तो मैं जिस ग्रुप में था, हम लोगों ने एक म्यूज़िक वीडियो जो है वो प्रोड्यूस की थी, उसकी स्क्रिप्टिंग, उसके सारे आइडियाज़ और उसकी शूटिंग सब कुछ वो हम लोगों ने खुद ही किया था। बस ये था कि म्यूज़िक जो हम लोगों ने म्यूज़िक लिया था वो हम लोगों ने बोरो किया था, और बाकी जो है हम लोग एक्ट जो है उसके ऊपर, उसके अंदर जो एक्ट जो है वो हम लोगों ने वो खुद किया था। तो एज अ फाइनल सब्जेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट हम लोगों ने वो सबमिट करवाया वीडियो एडिटिंग के लिए। और उसके बाद 2D एनिमेशन का हम लोगों ने एडोब एनिमेट के ऊपर एनिमेशन करना सीखी। तो वो एक मिनट की, 1 से 1.5 मिनट की एक वीडियो थी, जिसमें एक प्रॉपर हमें कहा गया था कि एक मैसेज कन्वे हो रहा हो। तो वो हम लोगों ने एक से डेढ़ मिनट की वो एक 2D एनिमेशन के लिए वो हम लोगों ने वीडियो बनाई एडोब एनिमेट के ऊपर। सो अभी तक तो जो है यही चीज़ें हमने प्रोड्यूस की हैं एज अ फाइनल प्रोजेक्ट अपने। सही जी। सो अहमद, बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट, आप प्रोडक्शन को अच्छी तरह समझते हैं जी जी, आप नो हाउस की रखते हैं, तो हमारे ऑडियंस को भी हल्का सा आगाह करें 2-3 लाइन में प्रोडक्शन क्या है और किस तरह आप प्रोडक्शन, जैसा कि अभी जमशेद ने बताया कि 3 फेजेज हैं इसके। यानी एक है प्री प्रोडक्शन, जिसमें आप कोई भी कंटेंट, अगर आप एक सोच रखते हैं कि यार ये चीज़ मैं बनाना चाहता हूँ, तो पहले उसकी स्क्रिप्टिंग करें, स्क्रिप्ट वगैरह लिखें, आइडिया जनरेट करना, और उसके बाद जो मेन एक बहुत बेसिक चीज़ है जो और बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप उसकी बजटिंग करें कि आपके पास कितना बजट है कि आप ये चीज़ प्रोड्यूस कर भी सकते हैं या नहीं। उसके बाद फिर आप आ जाते हैं जो मेन प्रोडक्शन का फेज़ है, जिसको आप शूटिंग जिसमें आप शूटिंग वगैरह करते हैं, आप ऑन द फील्ड जाते हैं, आप शॉट्स लेते हैं, और उसके बाद फिर आप आ जाते हैं वापस अपने स्टूडियोज़ में और बैठ के एडिटिंग करते हैं, जिसको आप प्री पोस्ट प्रोडक्शन फेज़ कहते हैं। सो हम लोग इन तीनों मराहिल से गुजर चुके हैं। जो हम लोगों ने अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स बनाए उनमें ये तीनों चीज़ें शामिल थीं, प्री प्रोडक्शन भी, प्रोडक्शन भी और पोस्ट प्रोडक्शन भी। सो अभी इस हद तक नो हाउ है। इंशाल्लाह आगे जाके जो इरादा है मेरा, जो मैंने आपको बताया अभी कि मैं अपना कल्चर जो पाकिस्तान का कल्चर है वो दुनिया के सामने पेश करना चाहता हूँ कि एक पॉजिटिव इमेज जो है वो पाकिस्तान का जाए। हमारा जो कल्चर है मुख्तलिफ, हमारे 500 सूबों का जो कल्चर है, डाइवर्सिटी वो जो है हम लोग वो उसको जो है एक डिस्प्ले करें कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज शो करें। सो आजकल हम लोग देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के वो ही टिपिकल ड्रामास, इंडिया से जो है वो थोड़ी सी इंस्पायरेशन लेकर उसी किस्म के ड्रामास और मूवीज़ और वो सब चीज़ें। सो हमने अगर अपनी कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, और जो मेरी जहाँ तक सोच है कि हम लोगों ने अपना कंटेंट प्रोड्यूस करना है, वो सबसे जो हमारे पास सबसे ज़्यादा मौके हैं वो हमारे पास कल्चरल एस्पेक्ट्स में हैं। हमारा कल्चर इतना डाइवर्स है, इतनी चीज़ें हमारे कल्चर में दिखाने के लिए कि हमें किसी और का कंटेंट कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। सो ये मेरा इरादा है आगे। ज़बरदस्त। जिस तरह पहले सेगमेंट में जो हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोडक्शन के, वो बता रहे थे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है हमारे यूथ में, इस तरह नज़र भी आ रहा होगा। जिस तरह अहमद, किस तरह जो साइकिल चल रहा है उसका, जो इंडियन ड्रामा को कॉपी करना, उसको उस लूप को वो तोड़ना चाहता है। तो थैंक यू अहमद, थैंक यू सो मच अहमद। जमशेद, आप मुझे बताएं प्रोडक्शन, अब तक आपने प्रोडक्शन क्या समझ में आती है, किस तरह आपने इसको सीखा, किस तरह इसको फ्यूचर में आप यूटिलाइज करना चाहते हैं? हसन, हमने जैसे मैंने बताया, अहमद ने भी बताया कि हमने 2 सब्जेक्ट्स में प्रोडक्शन कर चुके हैं। तो इसके 3 फेजेज़ होते हैं। प्री प्रोडक्शन, जिसमें हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। तो 2nd फेज़ आ जाता है प्रोडक्शन, जिसमें हम एक्चुअल जो है ना फुटेज, मतलब रिकॉर्डिंग करते हैं, उसमें शूट करते हैं लोकेशंस पर जाकर। और 3rd, पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में हम उन रॉ वीडियोस को जो है ना एक्चुअल फुटेज में लाते हैं, एक एक्चुअल मास्टर कॉपी बनाते हैं, असेंबल करके। जी जी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। ज़बरदस्त, थैंक यू जमशेद। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, आपसे ज़्यादा चाहेंगे जाते जाते जो हमारे मीडिया के नौजवान हैं, इनके लिए बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला इनको कामयाबियां दे, जो ये अपना प्लान रखते हैं अपने कल्चर को आलमी सतह पर, जिस तरह ये शो करना चाहते हैं और जिस तरह कादी साहब प्रोडक्शन को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, इनके लिए बहुत सी दुआएं। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखें ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।